नालंदा में किराना व्यवसायी की हत्या के एक सप्ताह बाद भी पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। इस घटना के विरोध में व्यवसायिक संघ ने हरनौत बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। व्यवसायियों का कहना है कि जब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक बाजार बंद रहेगा। 23 मार्च को किराना व्यवसायी अशोक कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम भी किया था। उस समय प्रशासन ने अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था, जिसके बाद जाम हटा लिया गया था। लेकिन घटना के एक सप्ताह बाद भी हत्याकांड में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसी से गुस्साए व्यावसायिक संघ ने हरनौत बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। सभी दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपने अपने दुकानों को बंद कर दिया है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि हरनौत प्रखंड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैतृक घर होने के बावजूद यहां अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। दुकानदारों ने बताया कि इस इलाके में आए दिनों चोरी, छिनतई और गोलीबारी की घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, हरनौत बाजार इसी तरह बंद रहेगा। वहीं बाजार बंद होने से स्थानीय ग्राहकों को भी परेशानी हो रही है। सीएम साहब का एक घर है, हरनौत सीएम साहब का घर है, यहाँ अपराधी चरण सीमा पर पहुँच गई है। यहाँ अशोक जी का, हम लोग का व्यवसायी संघ के हैं, अशोक जी हैं, उनका हत्या हो गई है। 21 तारीख को हत्या हुई है, अभी तक आज 28 तारीख हो गई, 7 दिन 8 दिन हो गया, अभी तक प्रशासन को कोई सुराग अभी तक नहीं मिली है। यहाँ प्रत्येक दिन यहाँ कुछ ना कुछ, कभी मोटरसाइकिल हो, कभी पैसा लूट हो जाता है, कभी मोटरसाइकिल चोरी करके लेकर भाग जाता है। उसके बाद अभी तक कोई गिरोह अभी तक पकड़ाया नहीं है। 8 दिन हो गया, अभी तक गिरोह का भी कोई अथी अता पता नहीं है, तो उसी को लेकर बंद रखा गया है। इसलिए हम लोग सभी व्यवसायी लोग हैं, सभी किराना संघ है, सभी विक्रेता है और सभी टोटल व्यवसायी लोग हैं, सब लोग हम मार्केट बंद किए हुए हैं अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर। जब तक गिरोह जब तक पता नहीं चलता है, जब तक हम लोग हड़ताल पर रहे हैं। किस लिए सभी दुकान को बंद करवाया जा रहा है? मेरा नाम मुकेश कुमार है। बढ़ते अपराध को लेकर अशोक जी का हत्या होने के कारण हम लोग सब बंदी बना कर रहे हैं। उसमें क्या है कि हम लोग का यही मान है, लोग आश्वासन दिए कि 24 घंटा के अंदर अपराधी को हम आपको अथी करेंगे, आश्वासन दिए। उसके बाद 72 घंटा का लेकर फिर 72 घंटा किए, आज हो रहा है 7 से 8 दिन हो रहा, अभी तक किसी चीज़ का कोई पता पता नहीं है। हम लोग अंत में 28/3/2024 से लेकर निश्चित काल के हड़ताल पर हम लोग जा रहे गए हैं। तो क्या लग रहा है कि दुकान बंद करने से अपराधियों की गिरफ्तारी हो सकती है? हमको लगता है, जो हमको समझ में आया, जो हम लोग कर रहे हैं, जो हमको लगा कि लगता है अंदर से हम लोग लगा कि कुछ लोग इस तरह से काम करेंगे तो प्रशासन अच्छी हो करेगी, सजा होगी, पकड़ेगा अपराध को, पकड़ेगा उन लोगों को तो सब कुछ पता है कि कहाँ क्या है। जिस तरह से उन लोग का अथी है तो उन लोग का पढ़ाई है, प्रशासन लोग का पढ़ाई है कि हम जहाँ चाहते हैं जहाँ से उन लोग उठा कर ला सकते हैं, अब पूछताछ करके गृह तक पहुँच सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री के गृह जिले गृह प्रखंड में उनका मतलब अपराधियों का जो बोलबाला है चरम पर है? बहुत चरम पर है, इससे इतना तो होना। हम लोग ये अब कर रहे हैं कि हो गए मुख्यमंत्री के आवास है इस तरह से गए, उसके कारण इस सब में इतना अपराध बढ़ गया है कि लगता है ये तो मुख्यमंत्री का आवास रहना ही बेकार है। तो क्या लग रहा है चुनाव आने वाला है लोकसभा, उस पर प्रभाव पड़ सकता है? प्रभाव क्या पड़ रहा है, हम लोग तो सीधे निगलेक्ट कर देंगे सीधे कि हम लोग को कोई देने नहीं। क्या चीज करने आए थे? बाजार से सामान लेने आए थे तो नहीं मिला जी? नहीं, सारा दुकान बंद है। हरनौत में दुकान बंद है, किस लिए? वो 23 तारीख को जो मर्डर हुआ अशोक कुमार का, इसी के जो प्रशासन एक्शन नहीं ले रही है। तो पूरा हरनौत आज बंद रखे हैं जी? तो क्या चीज़ खरीदने आए थे? किराना का सामान लेने आए थे। तो वापस खाली लौट के जा रहे हैं? जी, खाली हाथ लौट के जा रहे हैं। कहाँ से आए थे? हरनौत शांति नगर से। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार। अब तो दूसरे बाजार के रुख करना पड़ेगा जी? तो अब यहाँ नहीं मिला तो फिर दूसरे बाजार तो जाना ही पड़ेगा।